क्वेश्चन नंबर 36। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मशीनरी दे रखी है एट कॉस्ट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अलग से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है, तो मतलब देन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन। कैपिटल क्या होता है सर? कैपिटल आप शेयर कैपिटल, ठीक है ना। बैंक लोन, बैंक लोन एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। 23 क्या है? करेंट ईयर। और 22 क्या हो गया? प्रीवियस ईयर। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 10,000 वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 2,000। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वॉज 6,000। तो दो अलग इन्फॉर्मेशन है, वो है जो एसेट बेच रहे हैं वो करेंट ईयर डेप्रिसिएशन है। एसेट अकाउंट बनेगा मशीनरी अकाउंट 40-50। तो वर्क नोट्स में क्या बनेगा? मशीनरी अकाउंट बनेगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। क्यों मैंडेटरी नहीं है? क्योंकि सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मांगा है ना। पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा था, तो इसलिए मैं बना रहा था सब कुछ, बट धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि जब ऑपरेटिंग भी होगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है? करेंट ईयर डेप्रिसिएशन। या इस चीज में आ जाएगा डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दी एसेट सोल्ड, यूज हो जाएगा, यूज हो जाएगा, इसमें यूज हो जाएगा। इन्वेस्टिंग में यूज नहीं हो रहा, वो एक इंफॉर्मेशन निकालने में यूज हो रहा है। ध्यान देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का, चलो मशीनरी ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, ये क्या है आपके लिए? वर्किंग नोट। ओपनिंग बैलेंस 40, क्लोजिंग बैलेंस 50। 40 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, 50 बाय बैलेंस बीडी 10, टू बैलेंस सीडी 12। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 10,000 वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 2,000। तो हमें लॉस दे रखा है। अभी एक और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, तो 6,000 क्या है? करेंट ईयर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, क्या है ये? करेंट ईयर डेप्रिसिएशन कितना है? 6,000। तो इस अकाउंट से आपकी क्या इंफॉर्मेशन निकल गई? डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द एसेट सोल्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू मशीनरी अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 4,000, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? 4,000। एसेट वॉज सोल्ड फॉर, निकालेंगे हम, ठीक है ना, निकाल देंगे अभी। वर्किंग नोट नंबर 3। कॉस्ट क्या है? 10,000। कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 2,000। कॉस्ट 10,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आई है? 4,000। तो बुक वैल्यू क्या हो गई ऑन द डेट ऑफ सेल? 6,000। 10,000 माइनस 4,000, तो बुक वैल्यू है 6,000। आपने कितने की बेची? सोल्ड एट अ लॉस ऑफ कितना? 2,000। देयरफॉर सेल वैल्यू इज 4,000। 6,000 की चीज 2,000 के लॉस पे बेची, तो कितने की बेची? 4,000। वर्क नोट 3। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, क्या है ये? लॉस। कितना लॉस है? 2,000। 60,000 यहाँ पे आ जाएगा। टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 20,000, क्या है ये? परचेज ऑफ मशीनरी। कोई भी डाउट एसेट अकाउंट बनाने में? ठीक है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज हो गया है। अब इंफॉर्मेशन क्या आई? 4,000 इनफ्लो है सेल ऑफ मशीनरी। चलो इन्वेस्टिंग निकाल लेते हैं पहले। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो थोड़ा
कम फैल पाएंगे ना, इतनी सी जगह है दोनों के लिए। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, कितने की बेची मशीनरी? 4,000। एसेट एक ही है, और तो कोई एसेट नहीं है तो। और परचेज करी, परचेज कितनी है? 20,000। परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज कितना है? 20,000। तो नेट रिजल्ट क्या आया? 16,000 नेगेटिव। तो क्या है ये? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कोई डाउट? अब कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैपिटल 30 से 35 हो गई, इंक्रीज इन कैपिटल, ठीक है ना? तो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, तो इनफ्लो है, बिजनेस में पैसा आया। कैश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, मुझे कुछ मेंशन नहीं है ना, शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, तो मैं प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं, कैपिटल इंट्रोड्यूस सिंपल रखो। कितने पैसे आए? 5,000। और बैंक लोन 10,000 से जीरो हो गया, तो आपने रीपे करा होगा, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन कितना? 10,000। तो ये क्या हो गया? आउटफ्लो ऑफ 5,000। क्या है ये? कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 16,000, 5,000। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 16,000, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 5,000। इजी क्वेश्चन था, बट कोई बात नहीं। क्वेश्चन 36।